हेलो इन्वेस्टर्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले सुजलोन एनर्जी शेयर के बारे में। साथ ही बात करिए सुजलोन एनर्जी की जो मार्केट में जो लेटेस्ट न्यूज चल रही, जिस वजह से आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में काफ़ी बड़े टारगेट्स दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सुजलोन एनर्जी की आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो ये मैं 37 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और पिछले एक साल की बात करें तो सुजलोन एनर्जी ने अपने रिटेल इन्वेस्टरों को एक मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया जो कि मोर देन 300% है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स दिया सुजलोन एनर्जी। और कोई भी स्टॉक में जब कोई इतना तेजी स्टॉक भागता है जैसे सुजलोन भागा है, तो उसमें थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, जिससे स्टॉक में थोड़ी गिरावट का भी माहौल हमें देखने को मिलता है। और वही चल रहा है फिलहाल सुजलोन एनर्जी में। और करीब एक दो हफ्तों से आप देखोगे सुजलोन में काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी आ रही, जिससे कंपनी को जो बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे, फिर भी आप देखोगे सुजलोन एनर्जी का प्राइस हमें इसी रेजिस्टेंस पे घूमते हुए नज़र आए, जो कि 37-38 रुपीज़ के आसपास घूमते हुए नज़र आ रहा। और ये अभी थोड़ा और लंबे तक चलेगा, क्योंकि स्टॉक अभी हमें एक रेजिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ से थोड़े महीनों तक हमें इसी प्राइस पे घूमते हुए नज़र आ सकता है। और आने वाले समय में हमें सुजलोन एनर्जी में गिरावट का माहौल भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि सुजलोन एनर्जी में काफ़ी तेज़ी से ऑलरेडी भाग चुका है। और अब आप देखोगे सुजलोन एनर्जी में कंटिन्यूसली हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में ये डाउनफॉल हमें और भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फ्यूचर जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है सुजलोन एनर्जी, क्योंकि आप देखोगे सुजलोन एनर्जी को कंटिन्यूसली मार्केट से काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जैसे कि इन्हें दो दिन पहले गुजरात से जो बड़ा ऑर्डर मिला था, करीब करीब 193.2 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट। और जो इन्हें ये ऑर्डर मिला है वो एक रिपीट ऑर्डर है, क्योंकि ऑलरेडी जो गुजरात में इनके जो विंड सेक्टर में जो बड़े बड़े मिल रहे थे ऑर्डर्स, उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। और जो इनका कामकाज काफ़ी बढ़िया चल रहा है, जिसके लिए जो कंपनी थी उन्होंने वापस इनको एक रिपीट ऑर्डर दिया है, जो कि काफ़ी शानदार रहा है सुजलोन एनर्जी के लिए। आप देख ही सकते हो जो 193 मेगावाट का जो, और इस ऑर्डर के मुताबिक जो सुजलोन एनर्जी सप्लाई करेगा 92 यूनिट्स ऑफ देयर S120 2.1 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर, जो इन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, जो उसको मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में बताया था, जो कि ये सप्लाई करेंगे वागरा और विलाजीत, जो कि डिस्ट्रिक्ट है भरूच डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात में। तो ये काफ़ी शानदार रहा है। और आप देखा जाए तो जो भरूच डिस्ट्रिक्ट और जो कि आप देखोगे जो कि गुजरात में और ऑल ओवर गुजरात में भी आप देखोगे, तो सुजलोन को ऑल ओवर गुजरात में काफ़ी बड़े बड़े जो ऑर्डर्स काफ़ी लंबे समय से मिल रहे हैं। और आप देखा जाए तो अडानी ग्रीन एनर्जी से भी इन्हें कंटिन्यूसली जो ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आए, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है सुजलोन एनर्जी के, जो लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहते। और जो दूसरी न्यूज़ है सुजलोन एनर्जी, वो एक काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है, जो कि आने वाले समय के लिए सुजलोन एनर्जी के लिए काफ़ी गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी ने पार्टनरशिप की REC, ये भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी और काफ़ी पुरानी कंपनी इंडिया की, जो सुजलोन एनर्जी के जैसा ही ऑल ओवर इंडिया में जो एनर्जी सेक्टर में काम करती है, विंड टर्बाइन सभी सेक्टर में काम करती है। और सुजलोन से काफ़ी बड़ी कंपनी और पुरानी कंपनी, जो कि जिसके साथ सुजलोन एनर्जी ने जो पार्टनरशिप की नॉन फंड के मुकाबले, जिससे आने वाले समय में जो सुजलोन के जो करंट जो ऑर्डर चल रहे हैं और जो फ्यूचर में इनको जो ऑर्डर्स कंप्लीट करने, उसको फंड रेस करेगा REC, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाला है सुजलोन एनर्जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया REC काफ़ी पुरानी कंपनी, जिसे हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और स्टॉक मार्केट में ये भी स्टॉक लिस्टेड है, जिसका प्राइस आप देखोगे करीब करीब 450-450 के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र। और इनकी मैं ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हो जिस हिसाब से ये कामकाज कर रही है, और काफ़ी तेज़ी से इंडिया में इनके जो प्लान्स है ग्रो कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली REC के पास काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और आने वाले समय में ये सुजलोन को जो फंड रेस करेगा, जिसके कारण सुजलोन के जो करंट जो ऑर्डर्स है, और आने वाले समय में सुजलोन को जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, उन सभी को REC कंपनी जो फंड रेस करेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया हो सकता है फ्यूचर में। और आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी हमें इसी के लिए काफ़ी बड़े टारगेट्स दिखा सकता है, क्योंकि जो REC कंपनी है इनके पास भी काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी पेंडिंग में पड़े। और जिस हिसाब से सुजलोन अच्छा काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो आने वाले समय में REC की तरफ से भी सुजलोन एनर्जी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अब दोनों कंपनी एक दूसरे की जो पार्टनर बन चुकी है। और अभी तो फिर सिर्फ फंड रेस में इन दोनों ने पार्टनरशिप किया, और आने वाले समय में क्या पता दोनों कंपनी एक साथ काम करें ऑल ओवर इंडिया में, तो आने वाले समय में REC और सुजलोन एनर्जी का हमें काफ़ी बड़े टारगेट्स दिखा सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाला है लॉन्ग टर्म जो सुजलोन एनर्जी को होल्ड करने वाले।
और आरएसए के आप फंडामेंटल देखोगे जो इनके 2021 से 2023 तक आप देखोगे ग्रैब के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपनी, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रही है इस कंपनी में, और कंटिन्यूसली जो ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिल रही है जो कि आने वाले समय के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्योंकि दोनों कंपनियाँ पार्टनर बन चुकी है। जैसे कि मैं आपको वो न्यूज़ बताया, दोनों कंपनी अब एक दूसरे के पार्टनर हो गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आरएसए काफ़ी तेज़ी से ऑल ओवर इंडिया में ग्रो कर रही है और जो उनके ऑर्डर्स है कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे, जो कि काफी बढ़िया हो सकता है आने वाले समय के लिए। सुजलॉन एनर्जी की कुछ फंडामेंटल्स पे बात करें तो हमें काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव करते हुए नजर है, जैसे कि कंपनी ने अपना डेब्ट कम किया है और कंपनी ने ऑलमोस्ट अब देखोगे तो डेब्ट फ्री हो गई, और साथ ही आप देखोगे डेब्टर डे भी हमें स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नजर है। और जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया कि जो प्रमोटर इनकी होल्डिंग थी जो गिरवी रखी थी वो भी प्रमोटर्स ने अब छुड़ा ली, जो कि काफ़ी बढ़िया। और पीर कंपेरिजन में आप देखोगे सुजलॉन एनर्जी हमें कंटिन्यूसली ऊपर आते हुए नजर आया, फिलहाल ये हमें फिफ्थ नंबर पे देखने को मिला, और आने वाले समय में अगर स्टॉक में इसी तरह जो बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले सुजलॉन एनर्जी में, तो आने वाले समय में हमें वन और सेकंड नंबर पे भी आते हुए देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी, क्योंकि एक समय था जब सुजलॉन एनर्जी का प्राइस हमें 300-400 के आसपास भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा, और तब देखोगे सुजलॉन की जो सेल्स काफी ज्यादा थी, लेकिन आप देखोगे कंटिन्यूसली सुजलॉन की जो सेल्स में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में सुजलॉन हमें फिर से काफी बड़े टारगेट्स दिखा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही आप देखोगे कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ चुकी है, जो कि काफी बढ़िया, और आने वाले समय में जिस हिसाब जो एनर्जी सेक्टर में आप देखने को बूम देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले समय में काफी बढ़िया हो सकता है सुजलॉन। रिजर्व पे आप नजर डालोगे तो सुजलॉन की जो रिजर्व माइनस में थे कंटिन्यूसली आप देखोगे जो ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिले, कंटिन्यूसली आप देखोगे इनके रिजर्व अभी प्लस में आते हुए नजर, जो कि अभी 690 करोड़ के आसपास के इक्विटी कैपिटल पे आप नजर डाले 2719 करोड़ के आसपास हो गए, जो कि काफी बढ़िया। असेट्स पे भी नजर डालोगे असेट्स इनके थोड़े कम हुए, लेकिन आप देखोगे कंपनी कंटिन्यूसली जो इनके फ्यूचर प्लान्स पे काम कर रही है, जिस वजह से आने वाले समय में सुजलॉन हमें काफी बढ़िया करते हुए नजर आ सकती है। तो आप डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन एनर्जी में होल्डिंग बना के रखना चाहते हैं तो आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी आपको काफ़ी बड़े टारगेट्स दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, सुजलॉन एनर्जी पे आपको मेरा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।